बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स। इस वीडियो लेक्चर में हम ये देखेंगे कि .NET फ्रेमवर्क 3.5 और 2.0 और 3.0 ये ऑफलाइन हम कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं, ये हमें क्यों इंस्टॉल करने पड़ते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि अगर हम कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं तो उसके लिए ये जो फ्रेमवर्क है ये ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो ये हमें इंस्टॉल करना पड़ता है, ये ऑनलाइन करना पड़ता है। तो इसको ऑफलाइन करने का क्या तरीका है आज हम वो देखेंगे। इसे अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो चलिए चलते हैं हमारे वीडियो लेक्चर की तरफ। इसके लिए आपने सबसे पहले क्या करना है कि अपने विंडो के सेटअप में जाना है, ठीक है। विंडो के सेटअप में जाने के बाद आपने क्या करना है कि वहाँ पे सोर्सेज को तलाश करना है, और सोर्सेज में से सिर्फ आपने क्या करना है, SXS जो फाइल है वो आपने किसी भी जगह पे रख लेनी है। उसके बाद आपने क्या करना है, कमांड प्रॉम्प्ट में जाना है। कमांड प्रॉम्प्ट में जाने के बाद आपने वहाँ पे क्या करना है कि आपने ये जो कमांड है, ठीक है, इस कमांड को आपने कॉपी करना है और वहाँ पे जाके आपने पेस्ट कर देना है, ठीक है। ये कमांड जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यहाँ पे आने के बाद आपने क्या करना है, इसको पेस्ट कर देना है। अब कमांड में ये जो मैंने लिखा हुआ है ना, ये इसका सोर्स है, ठीक है, एड्रेस, ये एड्रेस आपने अच्छे तरीके से रखना है। अब मैंने यहाँ पे सी में रखा हुआ है, तो मैंने सी वाला ड्राइव और उसके साथ जो फोल्डर्स हैं वो मैं यहाँ पे मेंशन किए। आपने जहाँ पे भी इसको रखा हुआ है वहाँ पे इसको रखना है। उसके बाद आपने क्या कर देना है, इंटर करना है। इंटर करने के बाद आपका जो टूल्स हैं, आपके जो .NET के वर्जनस हैं, वो सारे के सारे इंस्टॉल होना शुरू हो जाएंगे। जैसे ही ये इंस्टॉल होते हैं उसके बाद मैं आपको ये दिखा दूँगा कि ये ऐसे एरर जो हैं वो हमारे सामने नहीं आएंगे। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए इसलिए मैं इसको यहाँ पर पॉज करता हूँ। ये देखें, आपके सामने ये इंस्टॉल होना शुरू हो गया, तो हमारा जो फीचर्स जो है वो अनेबल हो गए हैं, 100% कंप्लीट हो गए हैं। तो इसको चेक करने का क्या तरीका है कि आया हमारे .NET के वर्जन्स जो हैं वो इंस्टॉल हुए हैं या नहीं हुए, तो उसके लिए आपने क्या करना है, कंट्रोल पैनल को ओपन करना है, अनइंस्टॉल ड्राइवर्स में जाना है, और यहाँ पर आपने टर्न विंडोज़ फीचर ऑन और ऑफ क्लिक करना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखें जी, अब हमारे .NET फ्रेमवर्क्स जो है वो इंक्लूडेड है, वो इंस्टॉल हो गए हैं। ये इंस्टॉल इसलिए नहीं होते कि जब हम विंडो 8 या 8.1 से अबव विंडोज़ इंस्टॉल करते हैं तो उसमें .NET के जो लेटेस्ट फ्रेमवर्क्स हैं वो इंस्टॉल होते हैं, यानी कि 4.5 और इससे एडवांस जो चीज़ें हैं वो इंस्टॉल होती हैं। अब इससे पीछे वाले जो वर्जन्स हैं वो इसमें इंक्लूड नहीं होते, उनको हमें इंस्टॉल करना पड़ता है, क्योंकि हमारे अक्सर सॉफ्टवेयर्स ऐसे होते हैं जो पीछे वाले फ्रेमवर्क्स को जो है वो सपोर्ट करते हैं, तो इसलिए हमें ये इंस्टॉल करना पड़ता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।